रे भैया मैं तुमसे बतला मजबूरन मुझको उठाना पड़ा, मजबूरन हाथ तुझे उठाना पड़ा। राम हार क्यों ऐसा किया तुमने? भैया तूने उस पर हाथ उठाया। भाभी जी ने कार्य ही ऐसे किए थे। अच्छा, क्या करूँ? उस वक्त हमारी जगह पर आप होते तो जो मैंने किया है शायद आप भी वही करते। भाभी जी, दादा और दादी जी को बड़ी बेरहमी के साथ मार रही थी, बहन को मार रही थी। इतना ही नहीं, दादाजी के सीने पर पैर रखी थी और ये मुझसे देखा नहीं गया। क्रोध में आकर भाभी जी के ऊपर हमारे हाथ उठ गए। हम अपनी उस गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं। सलाम घर आज क्षमा मांग रहा है। अरे वो मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी, तो बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू? बोले वाला भैया कौन है? आप सच कहते हैं कि हम आप लोगों के बीच में बोलने वाला होता कौन हो? लेकिन बड़े भैया, दादा और दादी जी ने हमारी परवरिश किया है। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी माँ नहीं है। इस नाते थोड़ा सा तो अधिकार हमारा भी बनता है ना भैया? बात खाओ। उन लोगों ने तुझे माँ बाप का परवरिश दी है, तुझे माँ बाप का प्यार दिया है और हम लोगों ने तेरे साथ में ऐसा लगता कुछ नहीं किया है। मैं नहीं कहता कि आपने हमारे साथ में कुछ नहीं किया है। आपने भी सगे भाई से बढ़कर मुझे प्यार दिया गे। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप हमारे सगे भाई नहीं है। और उसी का नजीर तुमने क्या दिया कि मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया? कल तो मुझ पर भी हाथ उठ सकता है। इसे बिना फेंको, तेरे जो कुछ किया है ये अपने हक में अच्छा नहीं किया है और इसकी तुझे सजा मिलेगी। वाह भैया वाह। मैं तो सोचा था कि जिस वक्त हमारा भाई इस शब्द को सुनेगा वो क्रोध से भड़क उठेगा। जो हमारा भाई अपने माँ बाप के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं सुन सकता था, आज वही हमारा भाई अपनी पत्नी का चेहरा देखकर गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया है। और हमें नसीहत दे रहे हो। अगर तुम जैसे औलाद हर माँ की कोख से जन्म ले ले तो कोई भी माँ कोई भी नारी बेटे को जन्म नहीं देगी। और एक दिन ये धरती नौजवानों से खाली हो जाएगी। मुझे नसीहत दे रहे
नसीहत नहीं। मात्र जिंदगी को बड़ी लगती है भैया, जिंदगी दी है तो आपका अधिकार है हमारी जिंदगी छीनने का। जिंदगी को मारकर तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो चलो अपने इस रिवॉल्वर को और मिटा दीजिए मुझे इस दुनिया से। तुम यहाँ से चले जाओ, लोगों के दिल में रहम नहीं है, ये तुम्हें मार रहा है। नहीं मेरी बहन, ये लोग क्यों ना मुझे जान से मार दें, लेकिन हम तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते बहन। तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको तुम्हारी बहन सौ करो। दिखा दिया अपनी असलियत, उसको तक अपनी सौगंध और यहां से वो निकल गया। लेकिन याद रखो दादी, वो तो निकल गया है लेकिन क्यों नहीं बचेगी। हराम खार मैं तेरी जिंदगी को छीनूंगा, नावालोम किसका गंदा खून है, चक्राज मेरे रास्ते का लोड़ा बन गई है। आज ना रहेगा बात मुझे बजेगी बात, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। तब क्या वाकई इस पीछे अच्छा शांत हो जाओ मेरे भोले बाबा, शांत हो जाओ, काय कितना परेशान हो रहे हो। ने उस कुत्ते को पूरी सौगंध देकर यहाँ से भगा दिया और जी में आता है कितनी गोलियां इसके सीने में डाल। क्या करने जा रहे मेरे देवता भोले बाबा, शांत हो जाओ, अपना गुस्सा शांत कर। अरे वो गया है तो उसे जाने दो ना, आज नहीं कल फिर हाथ आएगा, वो जाएगा कहाँ तो जाएगा। और रही बात इसकी, अरे स्वामी जी अगर इसे मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा, जरा सोचिए मेरे देवता। प्रेम आ गई भी तब ठीक कहती हो, और मैं इसे मिटा देता हूं तो घर का काम कौन करेगी। अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा के लिए इसे समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगी, मैं इसे शूट कर दूंगा। और आज चांदी कान खोल कर सुन ले, तो कोई मेरी सगी बहन नहीं है, आज तुझे पिताजी जंगल से उठा कर लाए हैं, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई है। अगर दोबारा मेरे रास्ते का रोड़ा बनी तब मैं तुझे मिट दूंगा। प्लीज पे नजर रखो, और जिस तरह की नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो, अगर घर से कलम निकालते तो काट कर फेंक देना। भाभी जी क्या भैया जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? हाँ हाँ तेरे भैया सच बोलते हैं, तो भैया कोई सगी बहन नहीं है, बढ़िया ही बहन बन। ठीक है भैया, अगर जो मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ तो मैं यह हवेली छोड़ के चले जाऊंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत हो, आप लोग रहिए, मैं यह हवेली छोड़ के चले जाऊंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। कहाँ को जाएंगे और घर से कलम निकाला तो तेरे बढ़ते हुए कदमों को काट कर फेंक दूंगा। प्रेस से नजर रखो,
और घर का सारा काम इसे करवाओ। अगर कोई इसका हमदर्द बनता है तो सबसे पहले उसको भी मार और इसकी चमड़ी खींच लो। चल रहा हो इसे अच्छी तरह निगरानी रखो। कहाँ को जाएगी हवेली छोड़ करके? टांग तोड़ दूंगी हरामजादी कमी नहीं कहीं की। जो भी तेरे हमदर्द है ना उनका भी हाथ तोड़ूंगी, समझ लेना। पावे जी, जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में, कमीनी कोई। मार डालोगी समझ लेना। भाभी जी, मैं आपके साथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? बिगाड़ने की बात जानना चाहती है जो मुझे इस तरह से मारती हो? हराम जादी, अरे मार रहे तो मुझे जान से मार दो, लेकिन ऐसे तड़पा तड़पा के। बिगाड़ने की बात जानना चाहती है? जिस दिन से तेरे घर के अंदर कदम पड़े हैं पूरा घर तो बर्बाद हो गया रे, सब तो पूरा परिवार तो बिखर गया, क्या बचा है सवेली के अंदर? ना जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही झाड़ियों मारने के लिए फेंक दी और यहाँ आकर पूरा घर बर्बाद कर रखी है। कपड़े ठोकर लाई कि नहीं रे? कपड़े धोकर लाई कि नहीं? जा रही हूँ भाभी जी। अभी तक भी हाँ वकालत कर रही, कपड़े भी नहीं धुल के लाई? जा रही हूँ। ये रोना धोना बंद करो और जाके अच्छी तरह से काम करो, नहीं समझ लेना लंबाई कम कर दूँ। हराम जा। भाभी जी, मैं कपड़े धोने जाऊंगी लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे तो उसके बाद चले जाऊंगी। खाना का नाम नहीं लेना, पहले काम कर ले, हंटर खिलाऊंगी फिर समझ लेना। आराम जादी करेगी भाभी जी, याद रखना काम में लापरवाही नहीं। नहीं चंदा देवी मेरा नाम है, प्यार से महालक्ष्मी। माँ, ये लोग तो मुझे मार भी डालेंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे मुझे। अरे बहुत दुख उठाए ऐसी जिंदगी पे, बहुत दुख उठाई ऐसी जिंदगी पे। बहुत दुख उठाई ऐसी जिंदगी पे, बहुत दुख उठाई ऐसी जिंदगी में, कहीं साथ देता कोई बेबसी दे, कहीं साथ देता जाइए। जय बाबू साहब, ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं?
बाबू साहब आपके प्रजा के समाचार सब ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए, तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। जी मालिक। क्या बात है दादाजी, लगाया तू बाबूजी दादाजी, आप घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता तुम्हारी मुसीबत को मैं हूँ समझता। मेरे द्वार आए वो कुछ सोच करके और यहाँ से न कोई है खाली वो जाता। दादाजी, लेकिन आप सबसे पहले ये बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हो। बाबूजी, क्या एक टुकड़ा रोटी के लिए ये सारे सवाल देना जरूरी है? जब आप मैं जानना चाहता हूँ, भूखों से हमारी जान जा रही है और आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं। बच्चा, एक टुकड़ा रोटी दे दो। दादाजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में आप बूढ़ी माँ को लेकर के भीख क्यों मांग रहे हैं? आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने दो बच्चा। ठहरो,
आपका खाना नहीं चाहिए बाबू, बस चला जाऊंगा। दादाजी भूख नहीं है बच्चा, आप कहीं नहीं जाएंगे। चलाया था बेटू। दादाजी आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं, अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो आप कृपा करके बतलाइए कि आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। कर रहे आप, आपको हमारी कसम, आप बतलाइए। जब कोई माता पिता का नाम लेता है तो कलेजा फट जाता है बच्चा। क्या हुआ? जब आप गिद्धि कर रहे हैं तो क्या आपने सूरतगढ़ का नाम कभी सुना? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहाँ के जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का भी नाम सुना होगा आपने? दादाजी मैंने उनका भी नाम सुना है। बच्चा मैं कोई और नहीं, मैं वही धर्मपाल हूँ बच्चा। ओ, मैं वही धर्मपाल हूँ। ये जमींदार धर्मपाल सिंह है, लेकिन दादाजी ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई और ये बूढ़ी माँ को लेकर के आप गली गली भीख क्यों मांग रहे हैं? मेरी बहू और बेटे ने कई दिनों तक खाना पानी कुछ नहीं दिया हवेली के अंदर, ऊपर से बहू जानवर की तरह पीटती थी, बहुत मारती थी सुबह शाम। एक दिन तो घर से ही निकाल दिया, थोड़ा सा आटा मांग रहा था वो भी नहीं दिया, लात मार कर निकाल दिया। तब से इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बच्चा। दादाजी अब आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों प्राणी जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो और तुम दोनों को मैं अपना माता पिता समझ करके जिंदगी भर तुम लोगों की सेवा करता रहूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप किसी से मत बताइएगा कि मैं जमींदार धर्मपाल हूँ, बहुत लंबी रिश्तेदारी है, अगर हमारे रिश्तेदारों में पता चल गया तो हमारा सब कुछ चला जाएगा, बताना मत। दादाजी आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। ए सिपाही तुम जाकर हमारी बेटी को बुलाकर ले आओ। क्या भगवान खाना मिलेगा सीता? इन लोगों की हालत को देख करके तो हमारा कलेजा दहल गया। बेटी इन लोगों को हवेली ले जाओ और सबसे पहले इन लोगों को भोजन कराओ और ये बूढ़ी माँ को दिखाई नहीं दे रहा इनका ख्याल रखना। और दादाजी बेटी दादाजी रो मत बेटी, इन लोगों के कपड़े बहुत फटे पुराने हैं, इन लोगों के कपड़े को बदला देना है, इन लोगों को दूसरे कपड़े दे देना। चलो बेटी। सिपाही जी बाबू साहब देख रहे हो कि दादाजी चलने के लिए मोहताज है लेकिन अपने अंधी पत्नी को लेकर के ये बेचारे गली गली भीख मांग रहे हैं। जी बाबू साहब लेकिन अब इन्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जी बाबू साहब ये जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहेंगे, हम इन लोगों की सेवा बराबर करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात। क्या हुआ बेटी? ये खाया बदला दी। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबूजी, मैं कहीं जाना था तो इसलिए इजाजत लेने आई हूँ। कहाँ जाना चाहती हो? मैं अपनी सहेली से मिलने जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो हो, अगर नहीं इजाजत हो तो कोई बात ही नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब तुम अपनी सहेली से मिलने जाना चाहती हो? जी बाबूजी। जाओ बेटी, लेकिन सूर्य सोने से पहले तुम अपनी हवेली पर वापस आ जाना। जैसा आएंगे वैसा ही होगा। हाँ बेटी, क्योंकि इन लोग का भी ख्याल रखना है। उनकी चिंता मत कीजिए, मैं अपने दादा दादी समझकर की सेवा करूंगी। हाँ बेटी प्रणाम।
सदा खुश रहो। नमस्ते टक्कल, तुम्हारे मुंह में दही जमाया है क्या नमस्ते बोलने में? जाओ बेटी। सिपाही, देखो दादा और दादी जी का तुम भी ख्याल रखना। ठीक है बाबू साहब। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए जी। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब। लैला मार के चली, लैला मार के चली, गंगा पार के गुजरिया, लैला मार के चली। शेरो, जराओ शेरो, देखो यार इस घर में आए दिन के झगड़े से सला जी उग गया। जी उग गया। चलो कहीं आज घूमने के लिए चलते हैं। कहाँ चली? चलो आज हम चलते हैं बियाबाद जंगल की तरफ, और वही चलते हैं और अपने दिल को फैलाते हैं। आओ मेरे साथ। वैसे पैदल चलने में पैर दुखने लगते हैं। काफी दूर से आ रही हूँ ना, तो सहेली से मिलूंगी, उसके बाद हवेली वापस। ओ कोयल कूके हुक उठाए या दूती बंदूक जलाए, कोयल कूके हुक उठाए या दूती बंदूक जलाए, बागों में झूले के मौसम ना बताए रे, भैया जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, भैया जा परदेसी तेरा देश बुलाए, भैया जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, भैया जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। निवासी हैं ये, इस गीत पे खुश होकर 20 रुपए का इनाम पार्टी कोर से हार्दिक भाई। कोई लखू के हुक उठाए या धोती बंदूक चलाए, कोई लखू के हुक उठाए या धोती बंदूक चलाए, पागों ने झूले के मौसम का बताए, भैया जा परदेसी तेरा ये लड़की की कयामत है रे। कयामत ना बोल दो जा रहा शेरु, ऐसी हसी लवलिया तो पहली बार देख रहा हूँ यार। देखो नहीं ना देखी पाई हो। एक पेशिया वाल जंगल में ये साली कैसी पल खा रहे रे। भाजी नीक नहीं। अरे अरे वहाँ की बातें छोड़। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? हम हाँ ये वो तो देख रहे हैं कपड़ा उल्ला। कुछ बताऊंगा जाने ही है। ए जाने मत। ओए तमीज से बात कीजिए, नहीं हलक में हाथ डालकर जुबान खींच लूंगी। बदतमीज कहीं का है नहीं करना। लगता है बहुत तीखी मिर्ची है। तीखी मिर्ची नहीं है, जरा चख के देखना। ऐ जानी सारा मुँह पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ जो मुझसे यहाँ पूछने आये हो? चले जाओ मेरे रास्ते से, मुझे कहीं जाना है। हमारी तरफ जरा ध्यान दे तो मेरे मतलब। मैं तुम क्यों ध्यान दू? और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? किसकी हो तुम लाडली?
नाम और ये वो पहलों में मेरे पिला फसल का बैठ के आराम कर रहा है कुत्ता है। मीडिया पागल हो गए। तुमका यह जमात हमको कराम घर तेरी हम जमान खींच कर साले कुत्तों को खिला दूंगा ना। तुम दूसरे किया करो तुम्हारे किया को कल चल यही जाने मन में जरा एक बार हमारी तरफ नजर कीजिए। मैं और तुम्हारी तरफ नजर हाँ देख रहे हो क्या? लगता है तुम्हारे काले चश्मे से दिखाई नहीं पड़ रहा है उसको।